हेलो गाइस वेलकम बैक टू अध्यात्म इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल आई एम भानु योगी योर इंग्लिश मेंटोर एंड टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर टेस्ट सीरीज इंग्लिश टेस्ट वंस सॉल्यूशंस जी हां हमारे इंस्टीट्यूट अध्यात्मन इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अपनी टर्म वन यानी जो टेंथ और ट्वेल्थ क्लास में जो टर्म वन बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके ऊपर उस पर बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस में भी देखा होगा कि किस तरीके से आपको सोल्यूशनस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऐसे ही हम आज इंग्लिश के टेस्ट पर जो हमारे टेस्ट नंबर फोर था इंग्लिश का उसके सोल्यूशनस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्म वन में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में और क्या ऐसी चीज़ें हैं क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उन पॉइंट्स को ध्यान रख करके फैक्ट्स को ओपिनियंस को लॉजिक को लगाकर हम सोल्व कर सकते हैं बिकॉज ये सब्जेक्टिव पैटर्न पे नहीं होगा यानी कि हम जैसे एज इट इज समरी याद करते थे ना किस लाइन की ये समरी हो जाती थी हिंदी ट्रांसलेशन ये हो जाता था लेकिन हमें पोइम्स जैसे होती है कोई चैप्टर होता है तो काफ़ी डीप मीनिंग रखता है तो हमें दोनों तरीके से यानी किस तरीके से हम हमारे ओपिनियंस को रख सकते हैं और क्या में जो आपका ऑथर है या पोइट है वो इसके थ्रू बताना चाहता है तो केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैस्ट द फॉलोइंग्स भी हो सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सिनोनिम्स वर्ड्स जो होते हैं इडियम्स जो होते हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रख कर के ही हम इस जो टेस्ट सीरीज का जो इंग्लिश का टेस्ट वन है उसको सोल्व करेंगे उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में था वो था कि माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई गिव यू द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम देखो बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन द न्यू मास्टर कम्स टू दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव वेब दीज वर्ड्स वर टू मी यहाँ पर देखना कि सबसे पहले मैंने इसको लाइन टू लाइन रीड किया ये जो लाइंस है इनको मैंने अच्छे से रीड किया फर्स्ट मेरे दिमाग में क्या आया कि ये जो चैप्टर्स की किस चैप्टर्स की ये लाइंस हो सकती है तो यहाँ पर मैंने देख लिया था द लास्ट लेसन वैसे ये कौन से चैप्टर की है जो आपके फ्लैमिंगों में फर्स्ट चैप्टर है ना द लास्ट लेसन और इस ये किसके बारे में कि जो वॉर हुआ था

लेसन आपका होने जा रहा है लास्ट लेसन ये होगा क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब क्या पढ़ाई जाएगी जर्मन तो उन्हें जाना पड़ेगा इस तरीके से हम सबसे पहले इसकी समरी क्या एक्शन इसमें हो रहे थे किस तरीके से बातें चल रही थी और आपके ऑथर ने किस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया था वो चीज हमने इसमें देख ली किस तरीके से क्वेश्चन है वो देखते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर वन इसमें है वाई डज एम हेमल वॉन्ट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव जो एम हेमल थे वो क्यों चाहते थे स्टूडेंट्स को अटेंटिव यानी वो काफ़ी अटेंटिव तरीके से है ना, काफ़ी अटेंटिव तरीके से वो क्या करे कि उस पर ध्यान दे वाई डज़ एम हेमल वॉन्ट्स स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव है ना एम हेमल क्यों चाहते थे कि बच्चे जितने भी हैं सारे स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल अटेंटिवली होकर के इस लेक्चर को फॉलो करें होता है ना कई बार कंटिन्यू लेक्चर होते हैं तो स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं नहीं आज नहीं कल कल नहीं परसों वाले लेक्चर में ठीक तरीके से कर लूंगा उसके अगले वाले लेक्चर्स में कर लूंगा लेकिन इस लेक्चर में क्यों अब ऑप्शन हमें क्या दिए सबसे सब पहले इस पर गौर करना पड़ेगा ठीक है ना कई बार समरी हमें पूरे पता होती है ना लाइन टू लाइन समरी और उनके मीनिंग्स तो हमें डायरेक्ट आंसर हम जाते हैं, लेकिन अगर नहीं पता रिलेट कर रहे हैं उससे, तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। क्या वो जो दे रहे थे, का, था बिकॉज कम फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से ऑर्डर भी आया था लेकिन बर्लिन से ऑर्डर आया था इससे क्या फर्क पड़ता है बच्चों को बच्चों को इससे क्या फर्क पड़ा उन्हें थोड़ी बताया था डायरेक्टली कि ये चीज़ होने जा रही है बच्चों को ये नहीं बताता जब उसकूल आए तब नहीं बताता जब एम हेमल ने उनसे कहा तब उन्हें पता चला ठीक है बिकॉज ही इज अबाउट टू रिविल द एग्जाम पेपर ऐसा थोड़ी होता है कि रिविल करने वाले हैं तो वो बिल्कुल अटेंटिवली करेंगे नहीं ना और टीचर क्यों करेगा रिविल ठीक है इसके बाद बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफिसर इज ऑन विजिट ये तो पूरे चैप्टर में ही नहीं दिया हुआ था कि कोई जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो विजिट पे आया हुआ था इस वजह से वो चाहते थे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अटेंटिवली लेक्चर को फॉलो करें ठीक है ऐसा वो नहीं चाहते थे तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है अप्रोप्रीट इसके बाद ये भी नहीं है हाँ ये अगर आपको इस दोनों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि बर्लिन से ऑर्डर आया था और ये नहीं वो चाहते थे कि ये लास्ट लेसन है इसमें तो कहीं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कहीं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उन्होंने बात की भी थी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी आपने देखा होगा लिटिल फ्रांस ने इससे पहले जितने भी लेक्चर्स लिए थे सारे उसने इजी वे में लिए थे तो इतना ज़्यादा अटेंटिवली उसने लेक्चर्स नहीं लिए इस वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आया लेकिन यहां पर उसने काफी अटेंटिवली होकर के लेक्चर लिया क्यों लिया क्योंकि उसे पता था कि जो एम है ना अब इस लेक्चर के बाद कभी उन्हें लेक्चर नहीं दे पाएंगे ये उनका कौन सा ले, लेसन होगा लास्ट फ्रेंच का लेसन होगा क्योंकि कल से उन्हें क्या सीखनी पड़ेगी जर्मन सीखनी पड़ेगी सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर ठीक है ना ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो यहां पे देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन कंसरिंग द टू स्टेटमेंट्स आपको कितने स्टेटमेंट दिए गए दो ठीक है गिवन बिलो स्टेटमेंट वन क्या है एम हेमल हैड बीन सब्जेक्टेड टू मेंटल टॉर्चर मेंटल टॉर्चर यानी मानसिक रूप से मानसिक रूप से आदमी को क्या किया जाए टॉर्चर किया जाए परेशान किया जाए और मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा था कहीं पे भी चैप्टर में कि एम हेम को कोई टॉर्चर कर रहा था वो तो फ्री थे ना बस उन्हें क्या करना था होता है ना हम जॉब करते रहते हैं कई बार ट्रांसफर हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना पड़ता है जॉब में ठीक है या पॉलिसीज हो जाती तो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह हमें जाना पड़ता है मेंटल टॉर्चर तो वो होता है जिसमें किसी को पीटा जा रहा हो या सताया जा रहा हो कोई प्रॉब्लम्स उसको दी जा रही हो तो इस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया जाता है विद द डिसीजन टू टीच ओनली जर्मन एल्सेस एंड लॉरेंट और वो देखा जाए तो इतने परेशान नहीं थे बिकॉज वो तो इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि तुम अगर फ्रेंच सीख लेते तो क्या हो जाता ठीक है ना तो आई डोंट थिंक सो कि जो पहला ऑप्शन है या पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो अप्रोपीरियट है ठीक है इसके बाद सेकेंड पे चलते हैं नो बड़ी एक्सेप्ट फ्रांस वॉज एबल टू रियलाइज द पेन इन एम हेमल्स आईज देखो सेकंड सेकेंड स्टेट में ये बताया गया है सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि जो लिटिल फ्रांस है क्या उसी को ही एम हेमल का पेन रियलाइज़ हुआ था उनके बारे में वो सिर्फ अकेला ही था जो फ़ील कर रहा था नहीं अगर वो अकेला होता तो फिर गांव के लोग क्यों आते वो बैक बेंचेस पे क्यों बैठते हैं रेस्पेक्ट क्यों शो करते बिकॉज एम हेमल ने 40 इयर्स की सर्विस दी थी 40 साल की दैट्स वाई वो लोग आए थे ना कि इतनी अच्छी सर्विस दी है इतना अच्छा काम किया है तो इसके लिए वो रेस्पेक्ट शो करने आए थे और बाकी बच्चों को भी तो कहीं ना कहीं पेन फील हो रहा था तो एम हेमल मतलब यहां पर लिटिल अकेला नहीं था जिनको feel हो रहा था कि एम हेमल का जो पेन है उन्हें अकेला फील हो रहा था ऐसा यहां पे नहीं है तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है आपका रोंग है यानी फर्स्ट भी गलत सेकेंड भी गलत तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू कैन नॉट बी इनफर्ड फ्रॉम द पैसेज यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट है एक और दो उनको हम ठीक तरीके से अनुमानित नहीं कर सकते हम ठीक तरीके से उनको पुट नहीं कर सकते हैं तो आपका राइट right ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी आपका हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखते हैं हाउ वुड यू डिस्क्राइब फ्रांस टोन व्हेन ही सेज व्हाट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी ठीक है ना अब देखो यहां पर आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे जो लिटिल फ्रांज है उसका टोन बोलने का टोन जो था ना उसने क्या कहा था आर थंडर क्लेप्स दीज वर्ड्स वर टू मी अब देखना कि जो लिटिल फ्रांज है वो स्कूल गया था तो उसको रास्ते में और स्कूल जब पहुंचा तो काफी स्ट्रेंजफुल चीजें लग रही थी ना बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ थी स्कूल शांत था तो काफी स्ट्रेंजफुल चीजें उसे लग रही थी ठीक है ना यानी कौन सा वर्ड आ गया स्ट्रेंज ठीक है स्ट्रेंज यानी क्या होता है अजीब सा है ना बिल्कुल और थंडर क्लेब थंडर क्लेब मतलब अगर आपको पता हो कोई ऐसी चीज जो आपको अभी पता चली हो और उससे आप पूरी तरीके से क्या शोक में हो है ना आपको शोक लगा है ठीक है तो वो यहां पर ये वर्ड शो कर रहा है अब हमें देखना है कि जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें से किस वर्ड को ये प्रेस कर रहा है ठीक है तो एंग्री यानी क्या होता है गुस्सा एंग्री यानी क्या होता है गुस्सा यानी स्ट्रेंजनेस आई नहीं शॉकड आया बिल्कुल नहीं आया ग्लूमी यानी क्या होता है दुख ग्लूमी यानी क्या होता है दुख सेडनेस ठीक है प्री पर uh, ये लग रहा है इसका मीन क्या हो जाता है देखो इसका परप्लेक्सड का मतलब होता है स्ट्रेंजनेस शॉक्ड में आना ठीक है स्ट्रेंजनेस या शॉक्ड में आना इरिटेट का मतलब आप जानते हो चिड़चिड़ापन तो सीधी सी बात है ना कि हमें लगा ही था व्हाट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर्ड टू मी जब उन्होंने ये न्यूज बताई तो वो शो की तो होगा हैरानी में ही तो पड़ेगा वो ऐसा थोड़ी खुश हो जाएगा ये गुस्सा हो जाएगा नहीं ना उसको तो अजीब सा लगेगा ठीक है तो यहां पर हमें ढूंढना था कि ये जो वर्ड्स हैं इसमें किस वर्ड का मीनिंग स्ट्रेंज होता है शॉक्ड होता है अजीब होता है हैरान होता है तो एंग्री यानी आप जानते हो गुस्सा होना ग्लूमी यानी दुख और परप्लेक्सड यानी हैरानी अजीबपन ठीक है और इरिटेट यानी चिड़चिड़ापन तो यहां पर हमें सीधा सीधा पता चल गया ठीक है नाउ फोर्थ जो है आपका क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन केन द अंडरलाइन वर्ड नॉट बी रिप्लेस्ड विद रेच यानी देखो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम रेच के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते रिप्लेस नहीं कर सकते क्या दिया हुआ है नॉट ठीक है तो यहां पर रिप्लेस नहीं कर सकते सबसे सब पहले इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब होता है देखो एक होता है ना माइनॉरिटी नीच जाति से कोई आता है नीचे वाले समुदाय से कोई आता है ना ठीक है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं मनहूस हम इसको बोल सकते हैं मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या बोल सकते हैं मनहूस होना नीचे समुदाय से आना नीची जाति से आना ठीक है ना अब देखो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं उन्हीं का हम यूज़ करेंगे ठीक है और लॉजिकली यूज करेंगे ठीक है क्या लॉजिक इनके पीछे हो सकता है ऐसा नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो लाइन टू तो लाइन पढ़ रहे हो वो मतलब नहीं रखता है एकदम लॉजिकली आपको वर्ड्स का यूज करना है बिकॉज एक वर्ड अगर एक सेंटेंस में आ रहा है ना तो उसकी मीनिंग बहुत हो जाते हैं उसकी काफ़ी मीनिंग हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग वो निकाल लेता है तो ये शब्द शब्दों का खेल है किन का खेल है वर्ड्स का ये खेल है बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इंग्लिश लिटरेचर यही तो है क्या है इंग्लिश लिटरेचर ऐसा नहीं है कि आप जो लाइन पढ़ रहे हो उसी की समरी याद रखनी है जैसे कि माई नेम इज़ वट एवर यू नेम इज़ वेर आर यू गोइंग ठीक है वट आई एम डूइंग ये नहीं इसके पीछे का मतलब क्या है आप पोइम्स पढ़ोगे तो काफ़ी डीप मीनिंग होते हैं कोई चैप्टर्स होता है तो उसके भी काफ़ी डीप मीनिंग हो जाते हैं उनके वर्ड्स के मीनिंग हो जाते हैं इन सबको हमें ध्यान में रख करके क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे तभी जा के आप टर्म वन के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर पाओगे और इसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं ठीक है तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस ऑप्शन में हम आ जाते हैं पहला ऑप्शन जो है वो है दैट बैगर हैज ब्रोकन माय कार विंडो देखो यहां पर बैगर बैगर का मतलब आप जानते हो क्या होता है भिखारी और भिखारी आप जानते हो कौन सी समुदाय से आता है माइनॉरिटी वही ना ठीक है माइनॉरिटी अब कार का देखो कार की विंडो उसने तोड़ दी तो हम क्या बोलेंगे देखो उस मनहूस ने मेरे कार की विंडो तोड़ दी या उस नीचे समुदाय वाले आदमी ने नीची जाति वाले आदमी ने मेरे कार की विंडो तोड़ दी तो ये मिल गया ना हमें तो वो ढूंढना है जो नहीं मिलना चाहिए ठीक like तो तो है सेकेंड देखो आइटम्स इन दोनों की बात की गई है तो ये तो बिल्कुल शो नहीं कर रहे कि इनका मिलिंग ये होता है तो इसको हम रख लेते हैं इस ऑप्शन को हम रख लेते हैं बाकी ऑप्शन चेक करते हैं फिर करेक्ट आंसर पे आते हैं ही इज एंड मिजरेबल रोज देखो यहाँ पे बोला है कि ये काफ़ी अकेला है मिजरेबल है यानी कौन सी स्थिति में मनहूस की स्थिति में है काफ़ी दयनीय स्थिति में वो है बेचारा ठीक है तो ये वर्ड भी किससे रिलेट कर गया इस वाले वर्ड से रिलेट कर गया ठीक है यानी नीची समुदाय से है नाउ जो डी ऑप्शन है वो क्या है बिफोर द पुअर नेव है टाइम टू स्पीक ही वो शूट यानी कि जो बेचारा गरीब नेव का मतलब क्या होता है दास गुलाम ठीक है तो गुलाम जो होते हैं दास होते दे वो भी कौन सी जाति से आते हैं नीचे वाली जाति से आते हैं ठीक है तो ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है यानी डी ऑप्शन भी है सी ऑप्शन भी है ए ऑप्शन भी है ऑप्शन कौन सा जो इससे रिप्लेस नहीं हो रहा वो है आपका ऑप्शन बी तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा ठीक है कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है आई होप कि फर्स्ट वाला आपको एक्स्ट्रैक्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा हमने पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली आंसर्स किए हैं ठीक है ठीके? कोई भी अप्रोप्रियट आंसर रखने का तरीका होता है उस चैप्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमारे सामने होने चाहिए सारे पॉइंट्स लाइन टू लाइन समरी लॉजिक क्या है किस थीम पर वो बेस्ट है सारे पॉइंट हमारे पास होंगे ना तभी जाकर के हम अप्रोप्रियट आंसर निकाल सकते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है Why aren't you wearing chappals I ask one my mother did not bring them down from the shelf he answers simply even if she did he will throw them off adds another who is wearing shoes that do not match when i comment on it he shuffles his feet and says nothing i want shoes says a third boy who has never on a pair all his life traveling across the country i have seen children walking barefoot in cities on village roads it is not like a money it is now.

या कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा कि डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कहाँ से आएगा ठीक है ना इसके लिए आपको एक्सट्रैक्ट खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा समरी से प्रिपेयर करना पड़ेगा कहीं से भी आए बस आपको तैयार रहना पड़ेगा और तैयार कैसे रहोगे जब आप उस चैप्टर की या उस पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी नॉलेज ले लोगे ना पूरा मीनिंग आप समझ जाओगे ना तो आप हर एक एक्स्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो जाओगे ठीक है अब इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे उससे पहले जान लें कि क्या बोला है यहां पर बोला है कि जो अनिस जंग थी ना जो हमारी ऑथर उन्होंने कहा कि तुम लोग चप्पल भी नहीं पहनते हो तुम लोग नंगे पैर ही खेलते कूदते रहते हो रेक पिकिंग करते रहते हो तो काफ़ी एक्सक्यूज़ वो देते थे कि हमारी मदर मना करती है ये तो हमारा ट्रेडिशन है कि हम लोगों को ऐसे ही घूमना है काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ वो बनाते थे उस टाइम पर तो उसी से रिलेट हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है अब इसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन यहां पे दे दिया व्हाट इज एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुवर्टी सबसे पहले मीनिंग जानेंगे हम कि का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कंटिन्यू क्या होता है कंटिन्यू यानी कोई भी चीज जो कंटिन्यूस रहे लगातार चलती रहे लगातार क्या करती रहे चलती रहे ठीक है ना तो क्या ऐसा बहाना था जो इनको बताना था तो यहां पर आप देख सकते हो आई वंडर इफ दिस इज only एक्सक्यूज टू क्या बोला था कि अ ट्रेडिशन टू स्टे बैर फुट ठीक है ना जैसे यहाँ पे वॉकिंग बैर फुट नंगे पैर घूमना क्या है ऑप्शन ए नंगे पैर घूमना सेकेंड है टू टर्म वॉकिंग बैर फुट अ ट्रेडिशन उन्होंने करा क्या बच्चों ने देखो नंगे पैर घूमते हैं हम हमारे पास कई रीजन हो जाते हैं नंगे पैर घूमना क्या कई रीजनस हो जाते हैं किस रीजन की वजह से हम नंगे पैर घूम रहे हैं विदाउट चप्पल शूज हम घूम रहे हैं ठीक है ना तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा इसके बाद ऑप्शन बी उन्होंने करा ही क्या कि जो वॉकिंग बेर फूट है उसको एक ट्रेडिशन बना दिया एक बहाना बना दिया कि ये तो ट्रेडिशन है बिना चप्पल के बिना शूज के घूमना क्या है ट्रेडिशन है तो इसको एक एक्सक्यूज उन्होंने बना दिया क्या बना दिया एक्सक्यूज बना दिया टू रीज द वॉन आउट शूज जूतों को खोल देना ये कोई सुटेबल है क्या अप्रोपीरियट ऑप्शन है क्या जूतों को खोलना काइंड ऑफ एक्सक्यूज नो दैट इज नॉट अ राइट वन ओके इसके बाद डी है नॉट ब्रिंग आउट ऑफ द शेल्फ अब होता है कि किसी किसी की मदर मना कर देंगी अब ऐसा थोड़ी कि हर किसी की मना आ, मदर म, आ, मना कर देंगी कि नहीं तुम चप्पल नहीं पहन सकते खराब हो जाएंगी काइंड kind ऑफ of, नहीं कर सकते ना तो ये भी अप्रोपीरिएट नहीं है तो हमारे पास अप्रोपीरियड क्या है कि जो बी ऑप्शन है टू टर्म वॉकिंग बेरफुट अ ट्रेडिशन उन्होंने वॉकिंग बेरफुट को एक क्या बना दिया था ट्रेडिशन बना दिया और वो बहाना उन्होंने अनिश जंग को बता दिया था ठीक है तो यह आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसके बाद देखो अगला जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन कंसरिंग द टू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट आपको दिए यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिए दो स्टेटमेंट दिए गिवन बिलो पहला स्टेटमेंट क्या है द बॉयज हैड बीन सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलेशन वेन द नरेटर क्वेश्चन देम जब अनिस जंग ने उनसे सवाल किए तो क्या उन्हें अपमान फील हुआ कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई अब किस टाइप की शर्मिंदगी उन्हें तो पता था कि हम लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है तो वो क्यों फ़ील करेंगे वो तो वो फ़ील करेगा जिसकी सिचुएशन है और वो उस तरीके से रिएट करे जिस सिचुएशन में वो कभी नहीं होना चाहता है और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है द बॉयज़ डिड नॉट केयर फॉर द कंडीशन ऑफ द शूज़ बट ओनली फॉर शूज़ यानी ऑप्शन वन जो है वो appropriate नहीं है मतलब यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या क्या सही सही होगा क्या statement one सही होगा मतलब उनको नहीं क्योंकि वो तो already situation में जहां से वो क्या फील करेंगे तो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट नॉट एप्रोपरियट स्टेटमेंट टू द बॉयज डिड नॉट केयर फॉर द कंडीशन ऑफ द शूज बट ओनली फॉर शूज देखो यहां पर क्या था एक अमीर आदमी के लड़के ने उसके पास शूज़ थे एक अच्छा था एक शूज़ में होल था छेद था तो उसने फेंक दिया उसने शूज़ को फेंक दिया ठीक है जूते उसने फेंक दिए यहां पर उस दूसरे बच्चे ने जो रैग पिकिंग करता था उस बच्चे ने जूते उठा लिए और उसको पहनना चालू कर दिया उसने कहा कि एक्चुअल में जूते की कंडीशन कैसी है डजेंट मैटर मेरे लिए मैटर नहीं करती एटलीस्ट मेरे पास कुछ नहीं होने से बैटर है कुछ तो है शूज़ पहनने को तो हैं एटलीस्ट पहले तो थे भी नहीं लेकिन इसने दे दिए या फेंक दिए पर कंडीशन के सीए ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास पहनने के लिए क्या है शूज़ हैं हम देखते हैं काफ़ी सोसाइटी सु, में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में हम देखते हैं काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो पिकिंग कर रहे होते हैं उनके जो स्लीपर्स कपड़े होते हैं वो ऐसे कपड़े उनके पास होते हैं जो दूसरों के दिए हुए होते हैं या डैमेज होते हैं लेकिन वो खुशी खुशी पहन लेते हैं क्यों पहन लेते हैं उन्हें पता है कि एक्चुअल में हमारे पास कुछ तो है कुछ न होने से बेटर है कुछ तो हमारे पास है तो ये जो है अप्रोप्रिएट लग रहा है मीनिंगफुल लग रहा है थोड़ा लॉजिकल लग रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो आपका स्टेटमेंट वन है वो गलत है स्टेटमेंट वन क्या है गलत है और स्टेटमेंट जो सेकेंड है वो सही है सीधा डायरेक्ट आंसर पे आते हैं ना सीधी बात नो बकवास ठीक है अब देखो मैंने यहां पर इनको बिल्कुल मीनिंगफुल बनाया सुटेबल बनाया इसलिए मैं सीधा सीधा किस पे आ गया आंसर पे हमें बाकी के ऑप्शंस देखने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर आप लॉजिकल तरीके से पढ़ोगे थोड़ा अटेंटिवली होकर पढ़ोगे तो आई होप कि आप बिल्कुल सीधा आंसर पे ही जाओगे ना कि अदर ऑप्शन पे ठीक है तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन वो गलत है सेकेंड स्टेटमेंट सही है ठीक है ना ये आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं द गिवन लाइफ्स डू नॉट इंडिकेट अब यहाँ पर हमें जो जिंदगियों के बारे में बताया था साहेब की जिंदगी लॉस ऑफ स्प्रिंग में और मुकेश की जिंदगी अब दोनों में क्या-क्या ऐसी क्या चीजें थी तो क्वेश्चन क्या है द गिवन लाइज डू नॉट इंडिकेट जो जिंदगियां थी वो क्या इंडिकेट नहीं करती है क्या चीज एक्सप्रेस नहीं करती है तो वही देख लेते हैं यहां पे द लॉस ऑफ इनोसेंस द लॉस ऑफ इनोसेंस कर रहे थे उनकी मासूमियत ये तो कर रही थी ना ये तो चीज वहां पर शो हो रही थी इसके बाद द स्टेट ऑफ है पूरा चैप्टर इसी पे तो बेस्ड है पूरा इसी पे तो है। तो है ये भी इंडिकेट कर रहे थे Now, इसके बाद नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिस ऑप्शन थोड़ा अप्रोप्रियट लग रहा है कैसे <coughs> देखो द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिस उनके वादे थे उनके वादे थे किनके अनिश जंग के अनिश वादे थे कंप्लीट नहीं हो रहे थे बिल्कुल ऐसे ही वो जो कम्युनिटी के माइनर कम्युनिटी के लोग थे उनके भी कुछ प्रोमिस थे वो चीज़ यहाँ पर शो नहीं कर रही है वो इंडिकेटर ही नहीं कर रही है उनकी लाइफ में ठीक है ऑप्शन डी देख लेते हैं इसको अभी द डिज़ायर ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ ये तो थी ना ये चीज़ तो शो कर रही थी क्या चीज शो कर रही थी इंडिकेट कर रही थी द डिजायर ऑफ बेसिक नेसेसिटीज खाने की पीने की कपड़ों की रहने की ये सारी चीजें तो उसमें शो की जा रही थी ये भी शो की जा रही थी पोवर्टी भी थी तो क्या इंडिकेट नहीं किया जा रहा था वो था द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिस इंडिकेट नहीं की जा रही थी तो क्वेश्चन क्या था द गि डू नॉट इंडिकेट जो लाइव थी जो दी बताया गया है हमें चैप्टर में वो क्या इंडिकेट नहीं कर रहा है वो इंडिकेट नहीं कर रहा है आपका द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिस तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन होगा एकदम राइट ऑप्शन होगा ठीक है ना नाउ क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं फटाफट से इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द वर्ड पर पीचुअल Not used correctly. अब मैंने आपको बताया था ना कि हर एक वर्ड का मीनिंग होता है और वो सेंटेंस में जब भी आता है ना मतलब तूफान खड़ा कर देता है क्योंकि उसके मीनिंग बहुत हो जाते हैं उस वर्ड के क्या हो जाते हैं मीनिंग बहुत हो जाते हैं बस आपको स्मार्ट तरीके से देखना है कि इस वर्ड का यूज़ कैसे किया गया है सेंटेंस को रीड करना है लॉजिकल बनाना है ठीक है तभी तो लिटरेचर को सोल्व कर पाओगे टर्म वन के कैसे स्टडी बेस्ट और काफी ओपिनियन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सोल्व कर पाओगे तो देखते हैं यहां पर परपेचुअल का मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया फिर से बता देता हूं परपेचुअल मतलब होता है लगातार कंटिन्यू कोई चीज जो चलती रहे ठीक है नो सोसाइटी कैन मेक अ परपेचुअल कंस्टिट्यूशन और इवन लॉ क्या सोसाइटी नो सोसाइटी मतलब सोसाइटी नहीं बना सकती लगातार संविधान और कानून सोसाइटी बनाएगी लगातार थोड़ी बना पाएगी ठीक है तो ये थोड़ा मुझे रॉन्ग लग रहा है ये क्या लग रहा है रॉन्ग लग रहा है यानी यहाँ पे परपेचुअल का यूज सही तरीके से नहीं हुआ है ठीक है ना अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं अभी ऑप्शन हैं अगर आपको काफी डाउट हो जाए ना तो ऑप्शंस की हेल्प लो ऑप्शन सी आपको अच्छे आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे ओके से अभी देखना दे लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ बींग डिस्कवर्ड एंड अरेस्ट हाँ अगर वो उनको लगातार डर था लगातार उनको डर था अगर वो आगे आए ना सिस्टम के अगेंस्ट वो आ गए यानी अपने आप को सोसाइटी से नीचे जहां पर वो है, वहां से निकाल के आगे वो लाए ना तो उन्हें डर था कि कहीं वो लोग उन्हें अरेस्ट ना कर लें उन्हें गिरफ्तार ना कर लें उन्हें अपमानित ना कर दें समाज में तो ये तो अप्रोप्रियट आ रहा है ये तो मीनिंगफुल आ रहा है ठीक है सी जो ऑप्शन है द कंट्री इज इन परपेचुअल स्टेट ऑफ अनार देखो इसका मतलब अनार का मतलब होता है अराजकता क्या होता है अराजकता ठीक है यह भी सही है कि हम जो कंट्री है वो गरीबी में इनमें लगातार क्या है दबी हुई है तो ये भी राइट right ऑप्शन है ठीक है इसके बाद डी जो है वॉर इन इट्स फेयरेस्ट फॉर्म इम्प्लाइज अ परपचुअल वायलेशन ऑफ ह्यूमिटी एंड जस्टिस देखो युद्ध जब तक होता रहेगा ना युद्ध होते रहेंगे तो जो हिंसा है और जो मानवता है ना और जो इंसाफ है उनका क्या होगा किस तरीके से वो एक्सप्रेस किए जाएंगे ठीक है तो ये भी अप्रोपीरियट लग रहा है परपेचुअल आ गया ये भी अप्रोपीरियट लग रहा है तो ऑप्शन डी सी और बी ये तीनों मुझे क्या लगे अप्रोप्रिएट लॉजिकली मुझे ठीक लगे और जो फर्स्ट था नो सोसाइटी कैन मेक अ परपेचुअल कॉन्स्टिट्यूशन और इवन लॉ अब सोसाइटी थोड़ी बना सकती है लगातार कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी वो बना देगी लो भी वो बना देगी तो फिर बाकी गवर्नमेंट क्या करे जॉब छोड़ दे काइंड kind ऑफ of, नहीं ना तो यही अन ियट लग रहा है यानी एप्रोप्रिएट ये नहीं लग रहा है तो इसमें क्या बोला गया था कि इन विच ऑफ द द फॉलोइंग ऑप्शन इज वर्ड परपेचुअल नॉट यूज करेक्टली किस ऑप्शन में जो परपेचुअल वर्ड है उसको करेक्टली यूज नहीं किया गया है तो वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ठीक है ना <coughs> इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज कीपिंग क्वाइट क्या है कीपिंग क्वाइट बाई पैबलोरूडा बाय पैबलो नेरूडा जो आपकी पोएम नंबर है ना जो आपके आ रही है कीपिंग क्वाइट रिटर्न बाई पैबलो नेरूडा यानी आपके पोइट कौन है पैब्लो नेरूडा ठीक है फॉर वन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज

स्ट्रेंजनेस अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो अजीब बन जाएंगे क्या हो जाएंगे अजीब कब जब हम शांति से रुक जाएंगे तो इसके क्वेश्चंस क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन देखो द पोइट द वर्ड लेट्स टू अब पोइट ने यानी पैब्लो नेहरूडा ने जो आपका एक वर्ड यूज किया है लैट्स ये क्यों किया है कि बात करते हैं इनिशिएट अ कन्वेशन बिटवीन द पोइट एंड द रीडर्स क्या ये वर्ड जो है इन्होंने यूज करा है कि ये शुरुआत कर सके एक कन्वर्सेशन बिटवीन पोइट और रीडर्स के बीच अब ये तो नहीं होगा इनिशिएट करना रीडर्स के बीच और इनके बीच अब बाकी ऑप्शन देखते हैं इनवाइट रीडर्स या फिर रीडर्स को इन्वाइट किया एज अ पार्ट ऑफ द पॉइंट लार्जर कॉल ह्यूमिनिटी अब यहां पर सीधा सीधा अपन चलते हैं ना कीपिंग क्वाइट कीपिंग क्वाइट जो हमारी पोयम है वो किस पर बेस्ड है वो ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है ना मानवता पे कि एक्चुअल में सबको रुकना पड़ेगा ऑब्जर्व करना पड़ेगा नेचर को और उसमें उस एनवायरनमेंट उस में जो है ना चाहे वो कोई जानवर हो कोई इंसान हो कोई भी चीज हो सबको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन किस चीज से गुजर रहा है तभी तो मानवता का विकास हो सकता है किसका विकास हो सकता है मानवता का विकास हो सकता है तो अब इसी बात है रीडर्स को वो क्या कर रहे हैं इन्वाइट कर रहे हैं कि जो ह्यूमिनिटी है ना लार्ज लार्जर कोल टू ह्यूमिनिटी सबको बताना चाहते हैं कि ह्यूमिनिटी किस तरीके से हम सोसाइटी में बना सकते हैं ह्यूमिनिटी से क्या क्या फायदे हो सकते हैं बाकी ऑप्शन भी देखते हैं वेलकम रीडर्स इन टू द वर्ल्ड ऑफ द पोएम एंड इट्स सब्जेक्ट नॉट एप्रोपीरियट अप्रोप्रियट नहीं है यहाँ पे क्या बहुत सारी पोइम्स होती है डिफरेंट टाइप ऑफ उनके मीनिंग होते हैं तो अभी अप्रोप्रिएट नहीं है फर्स्ट वाला भी नहीं था बिकॉज कन्वर्सेशन करना नॉट ओनली कन्वर्सेशन पोइम में मैसेज दिए जाते हैं ना कन्वर्सेशन थोड़ी होती है मैसेज दिए जाते हैं नॉट ओनली एक सोसाइटी को पूरे वर्ल्ड में दिए जाते हैं हर एक पर्सन को वो दिए जाते हैं ठीक है तो फर्स्ट नॉट अप्रोप्रिएट सेकेंड इज अप्रोप्रीट थर्ड वन इज नॉट अप्रोप्रियट और एड्रेस Readers as fellow members of the human race, ना nah. fellow members of the अब इस सबको कर रहे हैं ना एड्रेस किसी एक को थोड़ी कर रहे हैं तो ये भी अप्रोप्रियट नहीं है अप्रोप्रियट क्या है बी तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी ठीक है नाउ नेक्स्ट पे चलते हम मार्गरेट एडवर्ड सेड मार्गरेट एडवर्ड सेड लैंग्वेज डिवाइडेड अस इनटू फ्रेगमेंट्स आई वांटेड टू बी होल ये कहना चाहते हैं जो लैंग्वेज है ना अब हम जानते हैं कि वर्ल्ड में हर कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो हमें क्या कर देती है बांट देती है यानी बना देती है जैसे हम हिंदी बोलेंगे इंडियन हम इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लैंड अमेरिका ठीक है जैपनीज बोलेंगे तो जापान से जर्मन बोलेंगे तो जर्मनी से चाइनीज बोलेंगे तो चाइना से तो हम क्या हो रहे हैं डिवाइड हो गए ना बाय द लैंग्वेज लैंग्वेज के हम क्या हो गए डिवाइड हो गए ठीक है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कमेंट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्गरेट एडवर्ड्स वर्ड एंड द लाइन फ्रॉम द अब एक्सट्रैक्ट लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज अब ये जो इनके वर्ड है ना वो क्या रिलेशनशिप कर रहे हैं बिटवीन मार्गेट एडवर्ड्स वर्ड और उनके वर्ड्स क्या थे ये रहे ठीक है उनके वर्ड्स और ये जो एक्सट्रैक्ट था उसमें से देखो एक्सट्रैक्ट क्या था ये रहा आपका एक्सट्रैक्ट ठीक है इस एक्सट्रैक्ट में से ठीक है ना चलो करते हैं इसको ऑप्शन <coughs> ए है एडवर्ड एंडोर्सेस नेरुडास कोल्ड टू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज देखो आपके जो मार्गरेट एटवुड है वो यही तो कह रहे हैं कि, कि किसी भी लैंग्वेज में हमें बात नहीं करनी है बिकॉज हम बात नहीं करेंगे तो हम साथ एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे डिवाइड तो नहीं रहेंगे ना तो क्या वो जो एटवुड है वो सपोर्ट हैं नेरुडा को पैब्लो नेरूडा को सपोर्ट कर रहे हैं जी हां कर रहे हैं ना वो बात जो मार्गरेट एटवुड किससे कह रहे हैं पैब्लो ना से उन्होंने भी वही कहा जो नेहरूडा ने कहा नेहरूडा ने कहा कि किसी भी लैंग्वेज में कोई बात ही नहीं करेगा तो डिवाइड ही नहीं होंगे हम लोग ठीक है ना तो यहाँ पे मार्गरेट एडवुड किसको सपोर्ट कर रहे हैं नेहरूडा को सपोर्ट कर रहे हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं नेहरूडा को सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है ना इसके बाद सेकंड भी देख लेते हैं फर्स्ट तो काफी अप्रोप्रेट लग रहा है काफी मीनिंगफुल और लॉजिकल लग रहा है इसके बाद बी देखते हैं एटवुड जस्टिफाइज नैरूडाज रिक्वेस्ट टू नॉट इंगेज इन एनी स्पीकिंग ना ऐसा कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं वो कोई रिक्वेस्ट नहीं है ठीक है वो तो क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है या नॉट अप्रोपीरियर ठीक है इट वुड अंडर माइंस नरुडास इंटेंड टू स्टॉप एंड नॉट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज नहीं ऐसा कुछ नहीं है कंपेरिजन या किसी टाइप का कोई फोर्सफुली वो नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करना है कि हमें बोलना ही नहीं है इस लैंग्वेज में बट वो यहाँ पर मीनिंग बता रहे हैं कि अगर हम ये जो लैंग्वेज डिवाइड कर रही है ना हमको हर एक कंट्री को डिवाइड कर देते हैं लैंग्वेज के थ्रू तो वो यहाँ पे मना कर रहे हैं तो ये भी नॉट अप्रोप्रिएट फोर्थ क्या है एटवुड सरेंडर्स टू नेरुडास डिजायर फॉर साइलेंस एंड नॉट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज यानी वो क्या कर रहे हैं सरेंडर कर रहे हैं नेरुडा के सामने नहीं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको कि भाई जो तू कह रहा है वो सही है मैं भी इस बात से एक्सेप्ट

ऑप्शन ए आपको दिया है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी वन बींग टूगेदर सडनली फॉर वन नो नहीं ये नहीं किया हुआ है ठीक है ये नहीं किया हुआ है कि इंपोर्टेंस सबकी सबकी इंपोर्टेंस जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं और अचानक से चुपचाप हो गया ठीक है सेकेंड देखो अनएप्रोप्रिएट है टू एम्फरसाइज द फ्रेंटिक एक्टिविटी फ्रेंटिक एक्टिविटी कुछ अजीब सी एक्टिविटी ठीक है कॉज दैट ह्यूमन लाइफ अब इससे क्या होगा कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ना अगर वो हम बंद कर दें यही तो बता रहा है कि जो एक्टिविटीज हम बंद कर दें उससे जो ह्यूमन लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे हाँ यही तो बोला है कि जो मछुआरा है वो मछलियों को नहीं पकड़ेगा तो जो वेल मछली है बाकी मछलियाँ हैं उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा थोड़ी लाइफ और मिल जाएगी सर्वाइव करने को जो आदमी समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा कर रहा है वो अपने घायल हाथों को देख लेगा तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ह्यूमन लाइफ के वो हमें पता चल जाएगा तो शायद ये जो एग्जोटिक वर्ड है स्ट्रेंजनेस है ये हमें ये बता सकता है आगे ऑप्शन देखते हैं सी ऑप्शन टू इंडिकेट द अनफेमिलिटी ऑफ अ सडन मोमेंट विदाउट रश और इंजन यानी चुपचाप हो जाओ उसमें तो कुछ है ही नहीं एक्जोटिक मैंने बताया आपको विदेशी स्ट्रेंजनेस मतलब अजीब ठीक है तो ये भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है टू डायरेक्ट अस टू वर्ड कीपिंग क्वाइट एंड हाउ वी वुड ऑल बीट टूगेदर इन दैट साइलेंस ये थोड़ा अजीब सा तो है कि साइलेंस में हम कैसे होंगे लेकिन क्या इम्पैक्ट डाल रहा है क्या ये इम्पैक्ट डाल रहा है इम्पैक्ट तो ये वाला ऑप्शन डाल रहा है बी वाला ह्यूमन की लाइफ पर ओबियस सी बात है रुकेंगे तो अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि हम करके आ रहे हैं हम सही कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं हम नेचर को नुकसान पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे हैं तो वो कौन सा बता रहा है बी इन वर्ड्स को कौन बता रहा है ऑप्शन बी तो राइट right ऑप्शन क्या हो गया आपका बी वाला ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं ये आपको मैच फॉलोइंग यानी जो दिए हुए हैं उनको कॉलम ए और बी से रिलेट करना है देखो ऑन द फेस ऑफ द अर्थ ऑन द द फेस ऑफ़ अर्थ इसका सीधा सीधा हो जाता है इन एग्जिस्टेंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ यानी धरती के चेहरे पर यानी धरती के जो सरफेस है ठीक है अब वो हमें काफी कुछ देता है

मूव हेवन एंड अर्थ जो धरती और जो स्वर्ग है अगर हम धरती और स्वर्ग अगर हम पॉसिबल चीजें करेंगे सबको एक साथ लाएंगे अच्छी अच्छी चीजें करेंगे तो जो हमारी अर्थ है वो दर, आ, स्वर्ग नहीं बन जाएगी हमारी जो अर्थ है वो क्या नहीं बन जाएगी स्वर्ग नहीं बन जाएगी तो इसके लिए देखो टू डू ऑल पॉसिबल टू अकम्पलिश समथिंग तो ये इससे रिलेट थर्ड वाला सेकेंड से रिलेट कर गया साल्ट ऑफ द अर्थ साल्ट ऑफ द अर्थ तो ये फोर्थ हो जाएगा टू बी गुड एंड वर्थ ही देखो खाने में हम नमक डालते हैं खाने में हम नमक डालते हैं तो स्वाद चेंज हो जाता है स्वाद क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो ये चीज वही बताई गई है कि टू बी गुड अच्छा होना अच्छा होना और कीमती होना हम जानते हैं नमक की जरूरत क्या है नमक की वैल्यू क्या है ठीक है वो भी द, अब यहाँ पे द दाल्ट ऑफ द अर्थ जब हम धरती पे होंगे तो हमारे प्रेजेंस में नेचर कैसी होगी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा हमारे आसपास के लोगों को हम किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं खुद को बेटर कर सकते हैं और खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं खुद की कीमत बढ़ा सकते हैं तो ये इम इससे रिलेट कर गया तो हमारे पास क्या निकले देखो फर्स्ट का जो है फर्स्ट का जो है वो कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ठीक है फर्स्ट का फर्स्ट इसके बाद सेकेंड का कौन सा हो जाएगा सेकेंड का आपका हो जाएगा थर्ड वाला इसके बाद थर्ड का आपका हो जाएगा सेकेंड वाला और जो फोर्थ है वो फोर्थ का फोर हो जाएगा तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं तो मैंने जैसे कि कहा यहाँ पे फर्स्ट का कौन हो गया फर्स्ट तो ये फर्स्ट का फर्स्ट इसमें भी दिया हुआ है अभी देख लेते हैं बाकी दो में तो नहीं दिया हुआ है तो ये दो तो गलत है फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का कौन सा हो जाएगा वो देखते हैं हम सेकेंड का देखो सेकेंड का थर्ड दिया हुआ है क्या दिया हुआ है थर्ड तो यहाँ पे सेकेंड का इसने फोर्थ दिया है तो ये नहीं होता ये हो गया सेकेंड का क्या हो गया थर्ड बाकी आंसर्स तो हमारे पास आएंगे कि सेकेंड का फोर हो जाएगा और मतलब थर्ड का फोर सेकेंड uh, हो जाएगा और फोर्थ का फोर हो जाएगा तो इस तरीके से ये आपका राइट आंसर इसमें निकल जाएगा इसमें हमने कुछ नहीं किया बस इनके मीनिंग्स को देखा है इनकी लाइंस को देखा है और इनके वैल्यूज़ को देखा है कि किस तरीके से एक्सप्रेस की गई है और क्या इनमें हमें स्पेसिफिक रीजन्स दिए गए हैं लॉजिकल हमें दिए गए ठीक है इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन है द मैन विद इन हिज स्टिपर बट ही डाई डिड नॉट अवेकन यानी कि वो नींद की हालत में किसकी हालत में नींद की हालत में बेहोशी की हालत में या बॉडी सुन्न हो जाती है ना जिसमें फील नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बस काइंड kind ऑफ of, उस हालत में था वो जगा नहीं दैट बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी पुट हिम बैक इन दी सबसे बढ़िया चीज क्या कर सकते थे वो उसको समुद्र में डाल सकते थे ना दैटिंग फॉर द मोमेंट ही स्टूडअप एंड फ्रॉम हिस्स हैंड्स यानी की ये हमारे विस्टास की बुक का चैप्टर है किसकी बुक का चैप्टर है विस्टास कौन सा चैप्टर है और ये हमारा चैप्टर नंबर फोर द इनेमी डॉक्टर सदाओ वाला कौन सा है डॉक्टर सदाओ वाला ठीक है ये हमारा चैप्टर है ठीक है अब हमने देखा था कि द इनेमी में किसकी बात की थी अमेरिकन प्रिजनर की डॉक्टर सदाओ उनकी हाना और जनरल ताकिमा की बात करी थी हमने ठीक है जिस तरीके से डॉक्टर सदाओ और हाना अपने घर पे थे उन्होंने आवाज सुनी कोई आदमी था और रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था उसकी सिचुएशन काफी खराब थी लगभग मरने ही वाला था तो उस सीन को पूरा यहाँ पर एक्स क्या किया है एक्सप्रेस किया है और हाँ उस आदमी को लेकर के क्या थोड़ा आए थे और उस आदमी को लेकर के क्या कैरेक्टर बताया था सदाओ का डॉक्टर सदाओ का और हाना का वो यहां पर हमें इस पूरे पैराग्राफ में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया जब हम लाइन टू तो लाइन पढ़ लेंगे ना मीनिंगफुल बन जाएगा ये तब हमें पता चल जाएगा यस दैट वुड बी बेस्ट हाना सेट स्टेडली बट

ये जो स्टेपर वर्ड है वो रिप्लेस नहीं कर रहा कौन सा वर्ड स्टेपर को रिप्लेस नहीं कर रहा तो सबसे पहले बात करते हैं शी हंग अप द फोन फीलिंग एज तब शी हैड वॉकन अप फ्रॉम अ स्लम्बर ये जो वर्ड है यहाँ पे देख लेना मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इनको ठीक है ये जो वर्ड है ये आपको बताने ठीक है स्लगिशनेश स्लम्बर और ट्रांस और डैच ठीक है अब देख लेना वैसे तो सीधी सीधी बात आप जानते होंगे स्लम्बर uh, मतलब क्या होता है नींद स्लम्बर मतलब क्या होता है नींद स्लम्बर मतलब क्या होता है नींद ठीक है स्लम्बर मतलब नींद और इसका मतलब भी तो ये होता था नींद ठीक है तो ये तो कर रहा है ये कर रहा है ना इसके बाद देखो ट्रांस और डेज ये दोनों सिनोनिम्स हैं किसके इसके इसके क्या है सिनोनिम्स हैं किसके सिनोनिम्स हैं ये सिनोनिम्स हैं स्लम्बर के ट्रांस डेज स्लंबर तीनों एक ही मीनिंग रखते हैं क्या नींद तो ऐसे ही हमारा काम आसान हो गया तीनों एक ही मीनिंग रखते हैं जो मीनिंग नहीं रखता वो कौन है इसका मतलब होता है आलस आना क्या आलस आना कंप्लीटली नींद में नहीं होता या सुन नहीं होता इसमें बस क्या होता है आलस आना लेजी फील करना क्या फील करना लेजी फील करना तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं यहां पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा या नहीं मुझे पता है स्टिपर का मतलब क्या होता है नींद आना ठीक है मुझे ये भी पता था कि स्लम्बर का मतलब क्या होता है नींद आना सिनोनिम्स है अब सिनोनिम्स आपको याद रखने पड़ेंगे जितने ज़्यादा आप रखो उतना अच्छा है इसके बाद सेकेंड ऑप्शन पर मैं आ गया मुझे लगा स्लगिशनेस तो यहाँ पर इसका मतलब तो आलस होता है आलस और नींद में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ठीक है तो ये नहीं होगा ये रिप्लेस नहीं करेगा इसके बाद देखो ट्रांस और डेज दोनों का मतलब नींद होता है ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके क्या हो जाते हैं सिनोनिम्स तो राइट जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो क्या होगा बी ऑप्शन क्या होगा बी ऑप्शन ठीक है इसके बाद देखो पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब सदाओ एंड हाना इन द पैसेज अब मैंने कहा था ना कि इस एक्सट्रैक्ट में इस पैसेज में जो है हाना और डॉक्टर सदाओ के बारे में बताया गया है कि वो उस अमेरिकन प्रिजनर को लेकर के क्या सोचते थे उसी से उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता था ठीक है तो सदाओ स्क्रब प्लस ईमानदार था हाँ था उसने देखो जनरल टाकेमा को भी बताया अपने देश से कोई गद्दारी नहीं करी <coughs> हाना वेरी वेरी का मतलब होता है चालाक क्या होता है चालाक ठीक है तो क्या हाना जो थी वो चालाक थी ना वो तो सिंपल शादी मतलब बिल्कुल सीधी शादी थी सिंपल थी उसको कोई मतलब ऐसे तरीके से चालाकी उसने की नहीं तो नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा ठीक है सदाओ डेरिंग था हाँ डेरिंग था हिम्मत वाला था तभी तो उसने उस प्रिजनर का ऑपरेशन किया मान सकते हैं हाना प्रूडेंट क्या जो हाना थी वो इंटेलिजेंट थी हाना इंटेलिजेंट थी क्या नहीं हाना इंटेलिजेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती तो शायद वो कुछ और सोचती कुछ अपने परिवार से आगे सोचती परिवार कहीं ना सोच करके उस आदमी का सोचती ह्यूमिनिटी के बारे में सोचती बट वो नहीं थी ठीक है ना तो ये भी नहीं है सदाओ प्रूडेंट हाँ बुद्धिमान था इंटेलिजेंट था तभी तो डॉक्टर सर्जन साइंटिस्ट था इतना जाना माना डॉक्टर था वो तो ये सही है हाँ ना सस्पिशियस हाँ डाउटफुल वो रहती थी डाउटफुल वो रहती थी काफी चीजों में उसको डाउट रहता था बिकॉज वो सबसे ज्यादा सबसे ज़्यादा किसके लिए केयर करती थी अपनी फैमिली के लिए अपने बच्चों के लिए अपने पति के लिए तो उसको काफ़ी ज़्यादा डाउट था और डाउट ये भी था ना कि कहीं इसका ऑपरेशन करके हम फंस नहीं जाएंगे हमें लोग देशद्रोही तो नहीं बोलेंगे जेल में नहीं डालेंगे तो इस तरीके के डाउट उसके माइंड में था तो ये राइट ऑप्शन हो सकता है इसके लास्ट वाला भी चेक कर लें क्या जो डॉक्टर सदावत थे वो चालाक थे जी थे वो चालाक थे तभी तो उन्होंने लास्ट में उसको भेज दिया था दूसरे आइलैंड पे अमेरिकन प्रिजनर को जनरल टाकिमा से बचा करके और क्या हाना डेरिंग थी ना हाना को तो डर लग रहा था पूरे टाइम जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है तो राइट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास सी ठीक है कि जो सदाओ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे दिमागदार थे और जो हाना थी वो डाउटफुल सिचुएशन में काफ़ी रहती थी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं पिक द इडियम दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच सदाओ एंड हाना वर इन ऐसा इडियम हमें यहाँ से पिक करना है जिसमें सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है किसको सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है कि सदाओ और हाना जो है किस सिचुएशन में थे इन इडियम्स का यूज़ करके हमें बताना है ठीक है अब देखो इडियम्स को क्या है कि आप चाहो ना तो इसी तरीके में आप बता सकते हो कैसे बता सकते हो मैं बताऊँ आप हंसते हुए बिल्कुल ऐसे हंसते हुए इडियम को आप क्लियर कर सकते हो मीनिंगफुल बना सकते हो बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और दिमाग कहां से आएगा वो आएगा ऑब्जर्वेशन से सीखने से इसलिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप सीखो और तरीके से आप सीखोगे ना तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे तो अभी आ जाते हैं वापस से वहीं पर हमारे आंसर्स पे आ जाते हैं अपन ठीक है हमारे आंसर्स पे हम वापस से आ जाते हैं तो यहाँ पे देखना टू बी लाइक अ फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर यानी कि एक तालाब से हमने एक तालाब से क्या किया जो मछलियां हैं उनको बाहर कर दिया बाहर क्या कर दिया बाहर कर दिया अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो फिश है उनका एनवायरमेंट किधर है तालाब के अंदर या बाहर बताओ तालाब के अंदर ही रहती है फिश मछलियाँ का रहती हैं पानी में रहती हैं बाहर थोड़ी रहती है पेड़ पे थोड़ी झूल रही होती है या पेड़ पे थोड़ी बैठी रहती है तो अगर यहाँ पे इसका मतलब हो गया क्या जो डॉक्टर सदाओ और जो थे वो क्या अपने एनवायरमेंट से बाहर थे नहीं वो तो घर पे थे वो तो घर पे थे अपने एनवायरमेंट में ही थे कहीं बाहर की तो बात कर ही नहीं तो ये नहीं होगा इसके बाद लाइक वाटर ऑफ अ डक बैक अब डक होती है डक बथक उसकी पीठ पीछे पानी यानी कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी बातें बोलना किसी के पीठ के पीछे हालांकि उस सामने वाले को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का सामने वाले को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा जो आप पीछे बोल रहे हो ना पीठ पीछे ये सारी चीजें वो सारी चीजें तो उसको बिल्कुल भी उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ डॉक्टर सदा और उसको तो क्या था फर्क था फर्क पड़ रहा था तो ये भी नहीं होगा नाउ टू बी डेड इन दॉटर खत्म मर गए बिल्कुल समाप्त रामलीला खत्म ठीक है तो यहाँ तो उन दोनों की रामलीला खत्म ही नहीं हुई उन्होंने देखो प्रिजनर को भेज भी दिया था है ना वो बच भी गए तो ये भी नहीं होगा तो तीनों नहीं हुए ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत हैं ठीक है डी क्या है टू बी न हॉट वाटर गर्म पानी में यानी आप मरे भी नहीं हो आप गर्म पानी में हो बस क्या कर रहे हो तड़प रहे हो और आपको पता नहीं कि मरना है क्या करना है अभी सस्पेंस बना हुआ है उनके साथ था सिचुएशन कौन सी थी काफी खराब सिचुएशन थी एक अमेरिकन को उन्होंने शरण दी हुई थी उन्हें रखा हुआ था उन्हें पता था कि अगर पता चल गया तो हमारी फैमिली समस्या में आ जाएगी हम समस्या में आ जाएंगे हमें हमें बोला जाएगा पता नहीं हमें जेल में डाल दिया जाएगा काइंड kind ऑफ of. तो ये इडियम परफेक्ट है उनकी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट ठीक है आगे चलते हैं आगे देखो चूज द करेक्ट ऑपन कंसरिंग टू स्टेटमेंट गिवन बी लो डॉक्टर सदाओ एंड हाना केयर अबाउट द सोल्डर सोल्जर्स बट वर वरीड अबाउट द कंसिक्वेंस ऑफ बींग कंसिडरेट देखो यहाँ पे क्या बोला गया इन्होंने की जो डॉक्टर सदाओ और हाना थी वो क्या सोल्जर्स के बारे में काफ़ी मतलब टेंशन में थी या उसका ध्यान रख रही थी और वो चिंता भी कर रही थी कंसिक्वेंस ऑफ बींग कंसिडरेट कि इसको अगर हम कंसीडरेट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हाँ ये तो था ना ये तो था कि वो ऑपरेशन भी कर रहे थे ठीक है और उन्हें डर भी था कि कहीं उल्टा ना हो जाए चलो अप्रोप्रिएट है वन लगा लो ठीक है सेकंड पे आते हैं सदाओ एंड हाना वांटेड टू श्रिंक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड सोल्जर्स हु कुड बी एन अमेरिकन ये कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर सदाओ है और हाना है क्या वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के भाग गए थे अमेरिकन प्रिजनर को देख करके ना बाबा ना वो उन्हें छोड़ करके नहीं भागे थे उल्टा उन्हें अपने घर में लाए ऑपरेशन किया सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने ठीक से निभाई तो सेकंड क्या है गलत है फर्स्ट ठीक है लेकिन में ना आ जाए तो ऑप्शन इज ट्रू बट ये राइट right हो जाएगा यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट ठीक है इसके बाद देखो अब लिटरेचर में हमने बिल्कुल सोल्व कर लिया अच्छी तरीके से अभी हमारा कौन सा सेक्शन आ गया राइटिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन आ गया राइटिंग सेक्शन हमारा आ गया देखो हमने जब लिटरेचर को सोल्व किया तो बिल्कुल लॉजिकली सोल्व किया ठीक है समरी क्या थी उनके मीनिंग क्या थे कैरेक्टर्स क्या थे कैरेक्टर्स के बारे में क्या थे और एक्स्ट्रा हमने ग्राम वाली चीज़ें जो है ग्रामेटिकल चीज़ें जो थी वो हमें याद थी तो उसके थ्रू हमने सोल्व कर लिया तो लिटरेचर आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो चाहे केस स्टडी बेस हो या दूसरे क्वेश्चनस हो आप इन्हीं तरीके से उन्हें सोल्व कर सकते हो और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपको पूरा मीनिंगफुल याद होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक वर्ड जो है उसका सिंपल मीनिंग हम याद रखें उसके काफी मीनिंग्स निकल सकते हैं काफी अलग तरीके से उसका यूज हो सकता है और हमने देखा है लिटरेचर में वो आए हैं हमने सोल भी किए हैं तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमें स्पेशली लिटरेचर में याद रखने पड़ेंगे अगर अच्छा स्कोर करना है तो बिकॉज वी डोंट एनी अनादर ऑप्शन राइटिंग सेक्शन पे आ जाते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फॉलोइंग टाइप ऑफ नोटिस अब हम किस नोटिस में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताते हैं किस शरीर पर इस तरीके का घाव हो रखा है सिर पर या हाथ पर वो किस टाइप के नोटिस में हम बताते हैं ऑप्शन क्या है देखते हैं तो ऑप्शन ए है नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कोई घुम गया हो कोई हो गया हो तो बताते हैं ना कि उसकी हाइट ये है उसकी बॉडी पर घाव हो रखा है काइंड kind ऑफ of, बताते हैं तो ऑप्शन ए सही है ऑप्शन ए क्या सही है वैसे ऑप्शन ए सही है बाकी को भी ऐसे चेक कर लेते हैं वैसे नोटिस फॉर सेमिनार्स बिल्कुल नहीं बताया जाता नोटिस फॉर सबमिशन दूर दूर तक नहीं बताया जाता नोटिस फॉर इवेंट्स तो उसमें इसका क्या काम देखो सीधी सीधी बात हमने की है कोई बकवास नहीं की है यहाँ पर कि जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं वो किस में होते हैं नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड में बाकी इवेंट्स में नहीं रखते ना ही इसमें रखते ना ही इसमें रखते तो बिल्कुल ध्यान रखना है सिंपल है आसान है ठीक है बस हमें फॉर्मेट का पता होना चाहिए किसका पता होना चाहिए फॉर्मेट का अदरवाइज हमें बिल्कुल आंसर्स नहीं आएंगे ठीक है ना क्वेश्चन नंबर क्या है रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज विच वन इज ट्रू अच्छा तो पढ़ लेते हैं पहले कि जो नोटिस है वो हमेशा एक बॉक्स में आएगा हाँ ये बात तो सही है हमेशा में आता है। है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट जी हाँ, हम पहले भी लिख सकते हैं हम पहले भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम जैसे ये नोटिस के पहले लिख दिया या फिर नोटिस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं दोनों तरीके से हम कर सकते हैं तो पहला स्टेटमेंट भी सही दूसरा भी सही तो यहां पर क्या है बोथ ए एंड बी आर ट्रू दोनों ऑप्शन क्या है सही है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द पर्पज ऑफ अ नोटिस इज टू क्या पर्पज होता है नोटिस का देखो इन्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू एन इवेंट अब इन्वाइट करना है इन्वाइट तो तब करेंगे ना जब उन्हें इन्फॉर्म करेंगे पहले सूचना तो देनी पड़ेगी सूचना देते ही वो लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे ठीक है तो नहीं है अप्रोप्रिएट नहीं है इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट समथिंग यस हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है इन्फॉर्म करना है एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या फिर कई ऑफिस हम जब सारे एम्प्लॉय सारे स्टाफ को करते हैं ना या बच्चों को स्टूडेंट्स को तो हम चाहते हैं कि सभी को इन्फॉर्म कर दे लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट समथिंग प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं ऑप्शन बी वैसे सही है ऑप्शन बी सही है बाकी तो बस फॉर्मेलिटी है ऑप्शन नंबर ट्वेंटी द आइडिया ऑफ राइटिंग अ क्या देखते हैं द आइडिया ऑफ राइटिंग अ डैश इज टू ड्रॉ अटेंशन टू टेक प्लेस ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन इन सिंपल कंसाइन देखो किसी भी टॉपिक uh, को कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको लिखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि किसी हम इवेंट के बारे में बता रहे हो किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो और वो इवेंट कहाँ पे प्लेस लेने वाला है क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं वैसे क्वेश्चन किसका था ये नोटिस का तो आंसर क्या होगा आपका नोटिस कहाँ है नोटिस 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 ये रहा नोटिस तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट right आंसर ना तो मैसेज में करते हैं ना लेटर में ना रिपोर्ट में किस में नोटिस में क्योंकि सूचना तो इसी में देंगे ना इन्फॉर्म तो इसी में करेंगे तो ऑप्शन क्या डी आपका राइट right है ट्वेंटी वन पे हम आ जाते हैं चूज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अकर्स इन अ नोटिस देखो तो नोटिस में सबसे पहले की चीज क्या आएगी बताओ सबसे पहली चीज क्या आएगी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहली चीज नंबर थ्री इसके बाद क्या आएगा इसके बाद आएगा आपका डेट क्या आएगा डेट आपकी डेट आएगी फिर इसके बाद क्या आएगा द मेन सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस क्या आएगा द मेन सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस यानी पहले ऑर्गेनाइजेशन फिर डेट फिर सब्जेक्ट आएगा आपका जो दिया हुआ है नोटिस में ठीक है उसके बाद क्या आने वाला है आपका आपका आने वाला है राइटर का नेम नीचे नीचे राइटर का नेम क्योंकि हमारे पास यही अवेलेबल है राइटर का नेम आ जाता है फिर लास्ट में आपके पास क्या बचता है डेजिग्नेशन यानी पोस्ट ऑफ द राइटर उस राइटर की क्या पोस्ट है तो इस तरीके से हम इनको ऑर्डर में जमा सकते हैं ठीक है इस तरीके से हम इनको ऑर्डर में जमा सकते हैं तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या कहता है द द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बॉडी ऑफ एन आर्टिकल क्या ऐसी चीज है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जो हमें क्या करनी चाहिए ध्यान में रखनी चाहिए देखो इट इंट्रोड्यूस द मैन आइडिया ऑफ द टॉपिक ये भी ध्यान में रखना चाहिए ठीक है इट कंटेन्स कॉजेज एंड इफेक्ट कोई भी टॉपिक हो गया उसके कॉजेज इफेक्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज सब होते हैं तो ये भी सही है ये भी सही है इट डिस्कसेज दर सी हाँ, तो भी सही है डी क्या है? अच्छा डी तो फिर पूरा सही है तो, सबके बारे में सारे ऑप्शन करेक्ट है तो क्या हो गया ऑल ऑफ अब तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर ठीक है ना इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं आर्टिकल ड नॉट इंक्लूड आर्टिकल में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं सजेशन तो इनक्लूड करते हैं जी हाँ कंटेंट एंड अर्ज रीडर टू थिंक ये तो सबसे बड़ी चीज है हमारी यह भी हम करते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डेटा होना चाहिए ठीक है नॉन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ये नहीं होनी चाहिए तो ऑप्शन डी आपका राइट right है ऑप्शन डी आपका राइट right है ठीक है ट्वेंटी सिक्स द आर्टिकल गिवन बिलो इज इनकम्प्लीट चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन टू कंप्लीट द आर्टिकल टाइटल लिखना है क्या लिखना है हेडिंग क्या लिखनी है हेडिंग हेडिंग ठीक है है लिखनी तो पढ़ना स्टार्ट कर दो लाइफ इज इट सेल्फ एडवेंचर्स एडवेंचर अच्छा किसके बारे में आ गया एडवेंचर के बारे में आ गया इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ एडवेंचर टू दोज हु सीक थ्रिल्स टुडे देयर आर मेनी एडवेंचरस एक्टिविटीज सच एज रिवर राफ्टिंग स्काई डाइविंग बाइकिंग स्कूबा डाइविंग दीज एक्टिविटीज ऑफर अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट यानी सबसे पहले तो मैं बता ये पैराग्राफ जो आर्टिकल है ये किसके बारे में एडवेंचर के बारे में किसके बारे में एडवेंचर के बारे में ठीक है पूरा पढ़ना पड़ेगा वाई वुड वन प्रीफर टू हैव एन एडवेंचरस लाइफ इन दिस फास्ट पेस्ट मॉडर्न इरा पीपल इजली बिकम बोर्ड विद दे आर एवरी डे एक्टिविटीज हाँ तो एडवेंचरस तो होना ही चाहिए बिना एडवेंचर के क्या मजा ठीक है सच पीपल आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर समथिंग एक्सप्लटिंग इवन इफ इट कम्स इन फॉर्म

उसके बारे में बताया पूरे स्पोर्ट के फील्ड के बारे में बताया क्या नहीं बताया तो ये राइट नहीं है ब्रेक फ्रॉम मोनोटोनी नहीं ब्रेक फ्रॉम मोनोटोनी ये नहीं है ठीक है एडवेंचरस होना चाहिए मतलब काम भी चलता रहे और ये चीज़ भी होती रही ठीक है तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है वाई वुड यू प्रीफर टू हैव एडवेंचरस लाइफ जी हाँ उसमें काफ़ी हमें बेनिफिट्स बताएँ काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हमें बताए हैं कि अगर हमारे पास एडवेंचर लाइफ रहेगी ना तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं किस तरीके से हमारी लाइफ को हम थोड़ा सा यूनिक कर सकते हैं दूसरों से तो ये अप्रोपीरियड लग रहा है लास्ट वाले को देख लें पक्स ऑफ बींग एडवेंचरस ना ये भी सूटेबल नहीं है अनएप्रोप्रिएट है नॉट अप्रोपीरियड ये वाला सही सुटेबल लग रहा है टाइटल के लिए कि वुड यू प्रीफर टू हैव एडवेंचरस लाइफ जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या टाइटल इसका हो सकता है तो ऑप्शन सी इसका राइट right ऑप्शन है ठीक <coughs> है ये देखो लास्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक लाइफ विदाउट मॉडर्न गैजेट्स लाइफ विदाउट मॉडर्न गैजेट्स अगर हमारे पास मॉडर्न यानी अभी के टाइम पे जो हम टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो नहीं होंगी तो क्या होगा साइंस इज़ मैड हाँ अब इसमें क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं हम कि यहाँ पर आपको कुछ जगह ये डैश खाली दिया हुआ है यहाँ पर क्या चीज़ आनी है टाइटल हमारे पास है टाइटल है ठीक है डेट हम लिख देते हैं कई बार हालांकि नहीं दी कोई बात नहीं इसमें डेट नहीं दी हुई तो क्या डेट ऑप्शन में है बिल्कुल नहीं है तो हम ये ध्यान में नहीं रखेंगे ठीक है ऑप्शन में क्या क्या है ये बिल्कुल नहीं है ऑप्शन में ठीक है ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास बाय राहुल अ डिजास्टर दिल्ली राहुल राहुल स्टूडेंट करेस्पोंडेंट देखो तो हम क्या लिखते हैं टाइटल के बाद यहाँ पर बाय लगा के राइटर का नेम लिखते हैं ना बाय लगा कर क्या क्या लिखते हैं राइटर का नेम लिखते हैं तो ये हमने टाइटल लिख दिया बाय कहाँ लग रहा है ये लग रहा है ऑप्शन ए में बाय राहुल ठीक है ये लिखते हम बाय लगा के राइटर का नेम बाकी अ डिजास्टर नहीं होगा डेली हो राहुल नहीं होगा राहुल स्टूडेंट ये भी नहीं होगा बचा क्या ये तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका ए ऑप्शन ठीक है तो कुछ ये इस तरीके से आपके सॉल्यूशंस थे जो टेस्ट वन था हमारा टेस्ट सीरीज का टर्म वन ट्वेल्थ क्लास के लिए तो उसके सोल्यूशन थे इंग्लिश के लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन को लेकर के कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो आपका जो लेवल होगा ना प्रिपरेशन का लिटरेचर जो होती है वो काफ़ी मीनिंगफुल होती है ऐसा नहीं है कि हम सिंपल वे में उसको लेकर के चलें हमें उसको पढ़ने के लिए काफ़ी थोड़ा क्रिएटिव माइंड से और अटेंटिवली होकर के हर लाइंस का हर वर्ड्स का और जितना हम ऑब्ज़र्व कर पाते हैं नेचर को हमारे एनवायरनमेंट को उतना हमें करना चाहिए क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी आइडियाज़ मिल सकते हैं कि लिटरेचर के क्वेश्चंस हम किस तरीके से सोल्व कर सकें लाइन टू लाइन समरी हमें पता होनी चाहिए क्या चैप्टर की थीम है किस पर ये बेस्ड है क्या इसमें क्वेश्चंस उठाए हैं किन चीज़ों को सपोर्ट किया गया है इतना सब हमें मालूम होगा इतने पॉइंट्स हमें मालूम होंगे तभी जा के हम लिटरेचर सेक्शन को कर पाएंगे राइटिंग सेक्शन में हमें फ़ॉर्मेट आना चाहिए कि फॉर्मेट किस तरीके से होता है क्यों ज़रूरी है नोटिस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है क्या क्या और किन किन टॉपिक्स uh, के लिए हम नोटिस लिख सकते हैं आर्टिकल लिख सकते हैं सब्जेक्ट किस तरीके से बन सकता है ऐसे हम राइटिंग सेक्शन को सोल्व कर सकते हैं तो इसमें आपको सारे मैंने सोल्यूशंस प्रोवाइड करा दिए हैं इसकी आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विद पेपर हाँ जो आपका टेस्ट था उसकी भी पीडीएफ uh, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर अभी तक आपने अध्यात्म इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर रजिस्टर नहीं किया है और अभी भी आप परेशान हो अपनी टर्म वन की प्रिपरेशन को लेकर के तो कुछ नहीं करना अध्यात्म इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है रजिस्टर करना है और अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो ऑनलाइन अपनी टर्म वन की प्रिपरेशन के लेकर के तो आप कर सकते हो काफ़ी कम प्राइस में आपको ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे और अगर आप चाहते हो टर्म वन पर बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो ये भी आपको अध्यात्मन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी बस आपको करना क्या है रजिस्टर करना है लॉग करना है ठीक है और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बाकी की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल दी गई है आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा थैंक यू सो मच